ये कोई आम लेक नहीं है, यहाँ पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो स्किन को जला सकते हैं। तो ये यहाँ कैसे रह रहे हैं? लेक नेट्रॉन सोडा लेक है, सोडा पार्लर नहीं, ये सोडा गर्म है। हर साल 10 लाख फ्लेमिंगो यहाँ ब्रीड करने आते हैं। ये जगह पूरी तरह फ्लेमिंगो से भरी है। देखने से शायद आपको पता न चले, पर फ्लेमिंगोस की एक खासियत होती है, इनके पैरों पर गर्मी और केमिकल्स का कोई असर नहीं होता, यानी ये लेक इनके लिए पूल जैसी है। अच्छा, पर इन टफ परिंदों का कलर इतना गर्ली क्यों है? दरअसल बात ये है कि पिंक उन्हें उनका खाना बनाता है, यानी छोटे छोटे श्रिम्प्स जो अपनी चोंच से खाते हैं। वाओ, फ्लेमिंगो बहुत ही टफ होंगे जो इतने गर्म पानी में अपनी चोंच डाल सकते हैं। ओके, अपने पैरों और चोंच की वजह से ये सोडा लेक में रह सकते हैं, लेकिन लेक नेट्रॉन इससे भी ज्यादा गर्म है। फिर ये यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि और कोई इसे सह नहीं पाएगा। फ्लेमिंगो अकेला ऐसा टफ क्रीचर है जो ये सह सकता है। लकड़बग्घे भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए फ्लेमिंगो के बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, उन्हें हर पल ध्यान रखना पड़ता है कि उनके अंडे गर्मी से बॉईल ना हो जाएं। कभी कभी ऐसे बात इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ फ्लेमिंगो के सभी बच्चे मर जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से वो जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाएं, वरना कहीं वो मिट्टी में ना फंस जाएं। वाओ, कुछ पक्षियों को तो गर्मी बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक ऐसे पक्षी को जानती हूँ जिसे ठंड पसंद है। चेक दिस आउट।